हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजर और सब डाउन टेक्नो मॉडिफायर। दोस्तों मैं हूं जाय और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीपीएन क्या होता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वीपीएन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं बिना अपने आईपी एड्रेस को शो किए। इसकी मदद से आप उन वेबसाइट्स का भी यूज कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में ब्लॉक्ड हैं या फिर आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। आप उन एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो यूट्यूब पे आपके लिए, आपके कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है। दोस्तों वीपीएन को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट करके कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों वो एक टनल की तरह होता है जिसमें सिर्फ आप ही होते हैं और आपका फ़ोन और आपका पीसी ही कनेक्टेड होता है। यहाँ ना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या ना ही कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप पे नज़र रखता है। दोस्तों वीपीएन भी कुछ इसी तरह से है जिसकी मदद से आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, ना ही आपके ऊपर कोई भी सरकारी संस्था नज़र रख सकती है, ना ही कोई हैकर आपको हैक कर सकता है उस समय। और इसी मदद से आपका आईपी एड्रेस भी हाइड होता है। इसी मदद से आप किसी भी कंट्री में ब्राउज कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और आप उन वीडियोस, उन एप्लीकेशंस या उन सॉफ्टवेयर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको इंटरनेट पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे वीपीएन के, जैसे होला, वीपीएन मास्टर और टनल वियर। ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन वीपीएन में कनेक्ट कर देते हैं और आप फ्रीडमली कुछ भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीपीएन तो आप अपने फ़ोन में मैनुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए अधिकतर लोग ऐसे एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। दोस्तों वीपीएन बहुत तरह के होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ ट्रायल वर्जन के होते हैं। अधिकतर तो ऐसे जो फ्री वर्जन होते हैं उनमें उतनी अच्छी स्पीड नहीं होती है, ना ही उनका सोर्सेज या फिर उनके सिक्योरिटी अच्छी होती है। दोस्तों अगर आप एक पेड वर्जन का वीपीएन यूज करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, उसके सोर्सेज अच्छे होते हैं और आप उस पर चाहे जितना भी डेटा यूज कीजिए, चाहे जितना भी उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी स्पीड बरकरार रखता है। और जैसे कुछ वीपीएन होते हैं जो प्रीमियम वर्जन होते हैं जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो चाहे $10 हो सकते हैं, चाहे $20, ये मंथली, वीकली या ईयरली के होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों वीपीएन का यूज बहुत ही आसान होता है, बस आपको कोई भी वीपीएन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद उसे बस ओपन कीजिए और किसी भी कंट्री से बस कनेक्ट कीजिए और वीपीएन स्टार्ट हो जाएगा। आप इंटरनेट पर कहीं भी कुछ भी ब्राउज कीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलता है और आपका इस आईपी एड्रेस भी हाइड हो जाता है ताकि आपको कोई इंटरनेट पे आपके ऊपर नज़र ना रख सके, ना ही कोई एप्लीकेशन हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो जो आपके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं रख सकता। दोस्तों वीपीएन ही बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है, आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, पीसी में, मैक में, आईफोन में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वीपीएन के ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो मैं अधिकतर टनल वियर का यूज करता हूँ। दोस्तों ये भी एक फ्री वर्जन ऐप है लेकिन इसमें पेड भी होता है, अगर आप पैसे देकर इसके प्रीमियम वर्जन को लेना चाहें तो आप उसे ले सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आप वीपीएन के फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।